एवरीवन, और हम लोग निकल गए हैं वाराणसी से गया जी के लिए। और देखिए कितना ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको भी दिखाएं। तो चलते हैं, देखते हैं रास्ते में कैसा रास्ता मिलता है। और हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग सुबह 12:30 से 5:30 बजे चले थे, और अब हमारा लगभग हमने कितना कितना किलोमीटर तय करा अभी? 190 अप्रॉक्स हमने अभी सफ़र तय कर लिया। और बिहार में नो डाउट बहुत अच्छी हाईवे रोड बन रही है, जगह जगह बहुत अच्छी भी मिली है, और टोल थोड़े बीच बीच में ख़राब थे जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो गया था, बट अच्छा मिला, हमें एक रेस्टोरेंट मिला बहुत अच्छा। इस रेस्टोरेंट में बहुत सुंदर गार्डन था, तो हम लोग थोड़ा सा विज़िट करने लगे, देखने लगे। बहुत अच्छी गार्डनिंग और बैठने का बहुत अच्छा, जो उन्होंने सिटिंग एरिया था वो बहुत अच्छा बनाया हुआ था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, हमने एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे हमने आलू के पराठे और चाय पिए, और औरंगाबाद हाईवे रोड है ये, बहुत बढ़िया चाय, बहुत बढ़िया नाश्ता, मज़ा आ गया। बिहार थैंक यू। और आप बिहार के जो सुपरस्टार है रवि किशन जी, उनके एक फैन बैठे हैं हमारी गाड़ी में, हम उनसे मिलाते हैं, वो थोड़ा सा उनका फेमस कोई डायलॉग बोलेंगे, तो चलिए आपको मिलाते हैं, इनको उठाते हैं। हेलो विनाशक पीके, विनाशक पीके भैया, तो रवि किशन जी का एक डायलॉग बता दीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहली बार खाली मिला है हमको, कोई बंद ना हो। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मोक्ष द्वार, ये गया जी है, यहाँ पे हमारे पितरों का, हमारे परिवार में अगर कोई इस दुनिया से चले जाता है, यहाँ पे पिंडदान होता है और अंतिम संस्कार की भी लिए भी जगह है, बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, ताकि उनके पूर्वज, उनके परिवार वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो और उनकी आत्माओं को कोई तकलीफ ना हो। तो हम भी इस जगह पर आ गए हैं, और हमें मेरे पापा के लिए कुछ करना था, तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर। और हमें एक भैया मिल गए थे, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि सीता माता और राम, श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ का यहाँ पे पिंडदान किया था, सीता माता जिस वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे पूजा करी थी, वट वृक्ष के नीचे पूजा करना या पिंडदान करना बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, और सीता माता ने ही यहाँ पे जो नदी थी
उस गोमती नदी को माता ने श्राप दिया था इसलिए सूख गई है, ये तो डैम से थोड़ा पानी कर दिया है ताकि कोई असुविधा ना हो, तो इसीलिए हमने यहाँ जगह ऐसी बहुत शांत और बहुत अच्छी जगह है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आपको पवित्र मानी जाती है हमारे हिंदू शास्त्र में। और अपने पापा के लिए हमने भी कुछ थोड़ा सा डोनेट किया यहाँ पे जो गरीब बैठे थे, तो सरकार ने रोक दिया पानी जिससे कि लोगों लेके यहाँ पानी है, सूखा है पूरा का पूरा। अच्छा ऐसे ही आप देखो ना उस साइड देखिए पानी नहीं है और वही पानी नहीं है, ठीक है ये तो बारिश का पानी है, देखो पूरा सूखा हुआ है लेकिन ये जमा हुआ पानी बारिश का हुआ आपको दिख रहा है डैम के कारण। ज़्यादा समय नहीं था हमारे पास, हम यहाँ पे रह के हमने वो सब चीज़ें डोनेट करके हम आगे की तरफ बोध गया की तरफ हम चले गए थे, क्योंकि ये गया जी है और यहाँ से 13 किलोमीटर का रास्ता है जो लैंड ऑफ बुद्धा कहते हैं वो जगह का, अभी यहाँ से हम वहाँ जाएंगे तो मैं वहाँ का दिखाऊंगी आपको। तो ये आ गया हमारा गेस्ट हाउस जो मेरे हस्बैंड ने बुक कराया था, और देखते हैं हमारी कार देखिए यहाँ पार्क हो गई है, यहाँ लिफ्ट है और हम सारा सामान अब लेके अपने रूम में जाते हैं, तो मैं आपको रूम का एक्सप्लोर कराऊंगी एक बार कैसा है हमारा रूम। आओ आओ सेकंड बात होती है और कितना सेकंड हमारा रूम और देखते हैं काफी साफ सुथरा है, अच्छा है, और ये हमारा बेडरूम है, हमने ऐसे दो रूम लिए हैं और सुबह देखेंगे, आज तो हम रेस्ट करेंगे, सुबह हम बुद्ध जी स्टैचू मॉनेस्ट्री जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे, जो जो मैं देखूंगी वो सब चीज़ मैं एक्सप्लोर करके आपको भेजूंगी। ये बाहर का व्यू है हमारी बैल्कनी का, तो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ये बोध गया का लैंड ऑफ बुद्धा का मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, इसको जरूर देखिएगा और जैसे जैसे एक्सप्लोर करूंगी वो सब भेजूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।